हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का और एक्सरसाइज नंबर 3.6 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो जैसा कि हमारे पास ये सवाल है बच्चों, तो इसमें हमारे पास देखो क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, मानना है। तो मानने से ये सवाल थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो जैसे कि ये हमारे पास 1/x को हम मान लेंगे a, और बाकी जो है देखो ये हमारे क्या है, सेम है। तो बाकी इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अब हमारे पास जो रकम है बच्चों वो ये बनेगी, जैसे कि हमारे पास देखो ये जो है ना, तो ये बन जाएगा 4a बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने मान लिया है a। और बाकी बच्चों ये जो सारा सवाल है वो सेम हो जाएगा। फिर क्या करना है हमने, ये जो 3/x है इसको भी यहां से हम a मान लेंगे। तो यहां से ये हमने ए मान लिया है और माइनस का यहां से 4y, और बराबर में हो जाएगा बच्चों कितना, 23 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आगे हमने करना है बच्चों सॉल्व। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो आया है ये आया है 4a + 3y बराबर में आ गया है बच्चों कितना, 14। और इसके नीचे जो आया है 3a - 4y बराबर में 23। अब क्या करना है बच्चों, इसमें हमेशा देखो ये जो होती है फर्स्ट रकम। एक चीज और, अगर आपको किसी सवाल में विधि नहीं दी गई है तो आप इसको सिंपल जो है विधि होती है विलोपन विधि से आप इसको जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि सबसे सिंपल होती है, सबसे आसान होती है। तो हम इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों विलोपन विधि। तो इसमें क्या होता है, देखो इस विधि में क्या होता है कि हमें ये जो है यहाँ की रकमें मतलब जो है सेम लानी होती है। चाहे तो हम देखो इनको भी सेम ला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल में हम इसको ही लाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि बच्चों इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो है 3 से कर देंगे, और इसको कितने से कर देंगे, 4 से, यानी कि जो है 4 से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 4 = 12a, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9y, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14 × 3 = 42। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12a, 4 × 4 = 16y, और बराबर में 23। ये करो जरा, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 का 2, वहां से लगा 1, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, यानी कि 92। अब इसमें बच्चों हमारा काम है कि हमने इनके साइन करने हैं चेंज। अगर ये किसका है बच्चों, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और अगर ये किसका है, प्लस का है, तो ये भी किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस थे और सेम थे। अब देखो ये प्लस का, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों, 25y। तो उसके बाद क्या है आगे, अब देखो जरा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 92 में से जाएंगे 42, तो यानी कितना बचेगा यहाँ पे, तो 0 बनेगा, और 9 में से 4 गए 5, तो ये बचेगा। और यहाँ पे देखो ये किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो निशान होता है वही लगता है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लग गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का ये आ जाएगा 50, और 25 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 25 × 50, तो वाई बराबर बच्चों हमारे पास आ जाएगा -2। तो वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है बच्चों कितनी है, -2 आ चुकी है। अब इस जो है वैल्यू को हम रख सकते हैं किसी में भी। तो अब इसको हम रख देते हैं फर्स्ट में, रख देते हैं अपना ये जो हमारी रकम है पहली, कि 4a + 3y बराबर में 14। तो यहां से क्या होगा बच्चों, 4a 3 × y की जगह पे हम -2 रख देंगे बराबर में 14। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा कि 4a ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6 बराबर में 14। अब ये माइनस का 6 है, इस तरफ जाएगा तो बच्चों ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 14 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 और 6 हो जाएगा 20। तो यहाँ से a निकाला हमने, 20/4 आ गया, और ये कट जाएगा बच्चों, 4 × 5 = 20,
तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों हमारे पास 5। अब याद रखो कि हमने यहाँ पर 1/2 ये जो है यहाँ पे ये मतलब जो है माना था, तो उसको लिए थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इधर स्पेस ये जो कर लेते हैं यहाँ से जो अभी है उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। जो हमने शुरुआत में 1/x को जो हमने माना था a, और देखो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 5 आ गई है, 5/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x = 1/1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x = 1/5। तो यहाँ से हमको मिलेगी x की वैल्यू 1/5। तो ये था बच्चों हमारा 3.6 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट डन।